रही हूँ अपने। मुख्य अतिथि माननीय अविनाश सिंधी का आभार अवगत करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। उसके साथ हमारे इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर थे IGL भारतीय युवक संघ बंधन इंफ्रा एंड भूमि शक्ति, उनका भी आभार व्यक्त। दो शब्द बोलने को कहा तो दो शब्द में मैं रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं क्रिकेट के लिए बहुत ही दिल से खेलता हूँ क्रिकेट। तो ये जो अमर उजाला और एस्परा का जो T20 मैच का आज फाइनल और समापन है, निश्चित रूप से मैं संतोष जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई भी देना चाहूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उनकी वजह से मैंने एक रियल फाइनल मैच देखा। लास्ट की थ्री ओवर मैंने देखे, कितनी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग का यहां पर देखने को मिला। और इन बच्चों को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो बच्चे खेल रहे थे खासतौर से, कि मुझे पुराने दिन याद आ गए कि जब मैं मेरठ में पोस्टेड था तो वहाँ पर प्रवीण कुमार बॉलिंग करते थे। प्रवीण कुमार रैना साहब थे, मोहम्मद कैफ थे, एक अच्छा त्यागी थे। तो प्रवीण रैना बॉलिंग करते थे, एकदम ऐसा लगता था कोई स्लो ऑफ स्पिनर है, और उनकी बॉल को हम लोग मतलब दबा के मारने वाली बात थी। लेकिन बाद में देखिए वो उनको टेस्ट कैच मिली, कहाँ से कहाँ निकल गए। इसी प्रकार कई प्लेयर देखा, लेकिन मैंने ये भी देखा कि बहुत से ऐसे प्लेयर थे जिनको टेस्ट कैच मिला, इंटरनेशनल उन्होंने मैचेस खेले, लेकिन उन्होंने वो अनुशासित नहीं रहे। जब अनुशासित नहीं रहे, धीरे धीरे उनका कैरियर भी उसी हिसाब से डाउन हो गया। इन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि ये खिलाड़ी जो हैं अपने मन को एकाग्रचित होकर खेलें, क्योंकि क्रिकेट जो है जितना आप मन से खेलोगे, दिल से खेलोगे, निश्चित रूप से अब वो पहले वाला सुनील गावस्कर या चेतन चौहान समय वाला समय नहीं रहा, जहाँ बहुत कम लोगों को कैरियर बनाने के मौके मिलते थे। अब तो हर जगह आप देखिए IPL हो रहा है, अब इतना हैंडसम अमाउंट हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए उसमें मौजूद है कि आप देख रहे हैं कि, इसलिए अगर आप खेलोगे निश्चित रूप से, अच्छा गवर्नमेंट भी आप खेलो इंडिया खेलों के तहत खिलाड़ियों के लिए सब कुछ कर रही है।